तो भाई ईदिक रोबन जो वाइट फैमिली के मेंबर हुआ करते थे वो WWE में वापस आने वाले हैं। उन्होंने WWE के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और WWE उनकी स्टोरी लाइन अंकल ओडी के साथ करवा सकती है और ब्रॉन स्ट्रोमन WWE में आ चुके हैं, वो भी अंकल ओडी की स्टोरी लाइन का पार्ट बन सकते हैं। तो भाई फिर से हमें वाइट फैमिली दिखने वाली है, क्लियर है बात। और बात करें अंकल ओडी की कब रिटर्न होने वाला है अंकल ओडी का, तो भाई उनका रिटर्न बैकलैश के अंदर हो सकता है क्योंकि WWE लगातार अंकल ओडी का टीज कर रही है स्मैकडाउन और रॉ के अंदर, तो उनका रिटर्न होने ही वाला है बैकलैश के अंदर और उनके साथ ईदिक रोबन रिटर्न कर सकते हैं। और भाई जे उसो ने रिसेंटली अपने टैटू को रिवील किया जिसमें ओमेगा का टैटू बना हुआ है और उनके डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है उस टैटू के अंदर और उन्होंने ओमेगा को ट्रिब्यूट दिया एक तरीके से। और भाई उन्हीं की फैमिली में से रोमन रेंज भी आते हैं जो अपनी फैमिली को ट्रिब्यूट करते हैं और वो भी ओलाफ वाला माला पहन के आते हैं जो ओमेगा पहन के आते थे एक टाइम पे और वो भी ट्रिब्यूट करते हैं अपनी फैमिली को। रोमन रेंज के रिटर्न के बाद पहला मैच किसके साथ हो सकता है, तो भाई सबसे ज्यादा चांस यहाँ पे सोलो सिकोवा का, जिस तरह ब्लडलाइन की स्टोरी लाइन रन की जा रही है वो रोमन रेंज को लीड करेगी और रोमन रेंज इसी का बदला लेने के लिए रिटर्न करेंगे अपना सोलो के ऊपर। और भाई अगर आप सबको लग रहा है कि रोमन रेंज का मैच पहला सेथ रोलिंस के साथ होने वाला, तो नहीं भाई सेथ रोलिंस बहुत लेट रिटर्न करने वाले अपना सर्वाइवर सीरीज तक और रोमन रेंज का पहले ही रिटर्न हो जाएगा समर स्लैम तक। तो भाई रोमन रेंज और सेथ रोलिंस का मैच होने नहीं वाला अभी। और रोमन रेंज अपने रिटर्न के बाद ब्लडलाइन के साथ फ्यूड में नजर आने वाले और उनका स्टोरी लाइन काफी लंबी होने वाली और दारोक भी ज्वाइन कर सकते हैं सोलो सिकोवा को और रोमन रेंज अपने बेबी फेस के साथ रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि सोलो सिकोवा हील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उनका रिटर्न बेबी फेस रोमन रेंज के साथ होगा।